अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं अब्डोमिनल हर्नियाज के हवाले से। ओके, अब्डोमिनल हर्नियाज जो होते हैं, एक्चुअली होता क्या है, हर्निया एक प्रोट्रूजन हो जाती है हमारे पास अब्डोमिनल कंटेंट की। तो ये जो है ना अब्डोमिनल कंटेंट, उस प्रोट्रूजन में एक सैक के फॉर्म में जो है ना अबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो अब्डोमिनल हर्निया जो है ना, या कोई भी हर्निया, वो कंसिस्ट होता है तीन पार्ट पे। कौन कौन से हैं? नंबर वन पे हमारे पास होता है सैक, नंबर टू पे कंटेंट ऑफ द सैक, और नंबर थ्री पे आता है कवरिंग ऑफ द सैक। ठीक है, सैक, कंटेंट ऑफ द सैक और कवरिंग ऑफ द सैक। ओके, तो सबसे पहले देखें तो हर्नियल सैक होती क्या है। एक पाउच जो बन जाती है हमारे पास पेरिटोनियम की, जिसमें जो है ना हर्निया की नेक और बॉडी होती है, ये हमारे पास एक बनी क्या हर्नियल सैक, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है पेरिटोनियम की। हर्नियल कंटेंट की बात करें तो हर्नियल कंटेंट जो है ना वो कंसिस्ट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन या उनके कुछ पार्ट्स जो है ना उस हर्निया के थ्रू उस सैक में आ जाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं हर्नियल कंटेंट्स, वो ही होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड मे वेरी फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ ओमेंटम टू ए लार्ज विस्कस सच एज द किडनी। ये एक छोटे ओमेंटम के टुकड़े से लेकर लार्ज विस्कस लाइक किडनी तक ये हर्नियल कंटेंट्स जो है ना वो हो सकते हैं। हर्नियल कवरिंग की बात करें तो हर्नियल कवरिंग जो होती है वो फॉर्म्ड होती है फ्रॉम द लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ओके, एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर्स होती हैं वो हर्नियल सैक के ऊपर एक कवर सा चढ़ा देती हैं, कवरिंग बन जाती है, तो इसको हमने जो है ना हर्नियल कवरिंग का नाम दे दिया। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हर्निया की बात करें, टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हर्निया में जो है हमारे पास ये फॉलोइंग जो है ना टाइप्स हमें कॉमनली नजर आती हैं। सबसे पहले होती है इनग्वाइनल, इनग्वाइनल की दो टाइप आ जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। उसके बाद फेमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया के भी दो टाइप आ जाते हैं, कंजेंटल और एक्वाइर्ड, और एक्वाइर्ड की भी फर्दर दो आ जाते हैं, एक इन्फेंटाइल होता है और दूसरा जो है ना एडल्ट लाइफ में होता है। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो जाता है, सेपरेशन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, जब ये रेक्टस एब्डोमिनस की जो है ना सेपरेशन होती है तब भी वहां से ऑर्गन जो है ना प्रोट्रूड हो जाते हैं, तो ये भी हर्निया काज कराता है। उसके बाद इनसीजनल हर्निया, हर्निया ऑफ द लीनिया सेमिलरिनरस, ओके, लंबर और इंटरनल हर्निया, ये फॉलोइंग टाइप जो है ना कॉमनली हमें हर्निया की नजर आती है। इनग्वाइनल हर्निया की बात करें तो इनग्वाइनल हर्निया में क्या, इनग्वाइनल इनडायरेक्ट हर्निया में होता क्या है कि ये मोस्ट कॉमन होता है और कंजेंटल इन ओरिजिन बिलीव किया जाता है, मींस के ये जो है ना बाय बर्थ ये हर्निया हमें नजर आता है। इसकी जो सैक होती है वो रिमेन्स ऑफ द प्रोसेस वेजिनलस होते हैं। ओके, जब प्रोसेस वेजिनलस जो है ना प्रॉपरली उसकी नेक्रोसिस नहीं हो पा रही होती और वो बच जाती है तो वो आउट पोचिंग की फॉर्म में पेरिटोनियम में कवर हो जाती है, तो ये हर्निया काज करा देती है। ओके, ये हो गया हमारे पास फीटस लाइफ में इनग्वाइनल इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया की जो है ना हम समरी अगर देखें तो उसे फॉलोइंग स्टेप में समराइज किया जा सकता है। सबसे पहले जो है ना इट इज द रिमेन्स ऑफ द प्रोसेस वेजिनलस एंड देयरफॉर इज द कंजेनिटल इन ओरिजिन, ये मोस्ट कॉमन होता है देन डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। ओके, इट इज मच मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, इट इज मोर कॉमन ऑन द राइट साइड। ओके, ये जो है ना हमारे पास राइट साइड में मोर कॉमन होते हैं, मेल में मोर कॉमन होता है देन फीमेल, मोर कॉमन होता है देन डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में और यंग अडल्ट्स में, ये जो है ना मोस्टली जो है ना चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स में ज्यादा हमें दिखाई देता है। हर्नियल सैक जो है ना इसमें जो है ना इंटर होती है इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू
बाई दी डीप इनगुइनल रिंग। ओके, इनगुइनल कैनाल में जो है ना डीप इनगुइनल रिंग के थ्रू ये हर्नियल सैक जो इंटर होती है एंड लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये एपिगैस्ट्रिक वेसल जो कि इनगुइनल कैनाल के नीचे की तरफ हमें नजर आ रही होती है उसके लेटरल ये रन करता है। ओके, इसकी नेक की बात करें तो जो हर्नियल सैक होती है डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया में उसका जो साइज होता है वो उसकी नेक नैरोअर होती है, नेक का साइज जो है ना वो नैरो होता है, छोटा होता है। ठीक, उसमें उसके बाद जो है ना हर्नियल सैक में एक्सटेंड थ्रू दी सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग अबव। कहां से इंटर हो रही थी हमारे पास, डीप इनगुइनल रिंग से इंटर हुई और सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग जो है ना वहां तक ये एक्सटेंड करती है एंड मीडियल टू दी प्यूबिक टबरकल। प्यूबिक टबरकल ये मीडियल और सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग तक ये जो है ना एक्सटेंड कर रही होती है। ओके, इसके साथ यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी आ जाती है कि होता इनडायरेक्ट इनगुइनल हर्निया है और जो समझा जाता है वो फेमरल हर्निया भी समझा जाता है। फेमरल हर्निया जो है ना वो लोकेटेड होता है बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टबरकल। ओके, ये मीडियल टू द प्यूबिक टबरकल हो गया और फेमरल हर्निया जो है ना वो लेटरल टू द प्यूबिक टबरकल होता है। हर्नियल सैक जो है ना एक्सटेंड डाउन होती है इनटू द स्क्रोटम और लेबियम मेजस। ओके, ये स्क्रोटम मेल में स्क्रोटम तक और फीमेल में जो है ना वो लेबियम मेजस तक ये जो है ना एक्सटेंड कर सकती है। ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट इनगुइनल हर्निया के बारे में। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया की। डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया जो है ना तकरीबन 50% होता है सारे दोनों इनगुइनल हर्निया का 50% होता है। ये 50% हो गया हमारे पास तो आप यहां से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये डायरेक्ट 50% है तो जो है ना इनडायरेक्ट हमारे पास कितने परसेंट आएगा, 85%। ठीक है, इसकी जो सैक है वो बल्ज होती है डायरेक्टली इंटीरियरली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनगुइनल कैनाल मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इनडायरेक्ट की जो है ना वो लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक थी और ये जो डायरेक्ट की है ये मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये बल्ज कर रही होती है सैक। ओके, और इन डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया को जो है ना हम समराइज कर सकते हैं कि इसमें जो है ना मोस्ट कॉमन होता है इन ओल्ड मैन विद वीक एब्डोमिनल मसल एंड रेयर इन वुमेन। ओके, ये औरतों में जो है ना कम ही नजर आता है, मोस्टली जो है ना ओल्ड मैन में नजर आता है, ओल्ड मैन में नजर आता है क्योंकि वीक एब्डोमिनल मसल की वजह से। हर्नियल सैक जो है ना इसमें बल्ज करती है फॉरवर्ड थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनगुइनल कैनाल। ओके, फॉरवर्ड बल्ज कर रही होती है थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनगुइनल कैनाल मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इसकी जो नेक की बात करें तो नेक जो है ना हर्नियल सैक की वाइड होती है। ओके, हर्नियल सैक की नेक इसमें वाइड होगी। ये थी डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया के वाले से। आप बात करते हैं फेमरल हर्निया की। फेमरल हर्निया जो है ना क्या होती है, एक्चुअली द हर्नियल सैक डिसेंड थ्रू द फेमरल कैनाल विद इन द फेमरल शीथ क्रिएटिंग अ फेमरल हर्निया। ओके, सैक डिसेंड कर रही है थ्रू द फेमरल कैनाल विद इन द फेमरल शीथ। तो ये हमारे पास फेमरल शीथ जब एक उसमें प्रोट्रूजन आ जाएगी, उसमें कोई आर्गन आ जाएगा तो ये हमारे पास काज हो जाएगा फेमरल हर्निया फेमरल कैनाल में। ओके, फेमरल हर्निया जो है ना मोस्ट कॉमन होता है इन वुमेन देन इन द मैन। क्यों? पॉसिबली बिकॉज वाइडर पेल्विस एंड फेमरल कैनाल। ओके, ये हमारे पास वाइडर पेल्विस और फेमरल कैनाल की वजह से जो है ना मोस्टली कॉमन होते हैं वुमेन्स में देन मैन। हर्नियल सैक की बात करें तो ये पास डाउन होती है फेमरल कैनाल में पुशिंग द फेमरल सिम्पटम बिफोर इट। ओके, ये हो गए हमारे पास फेमरल हर्निया के वाले से। फेमरल हर्निया को समराइज करें तो इसमें जो है ना प्रोट्रूजन हो जाती है एब्डोमिनल पेराइटल पेरिटोनियम डाउन थ्रू द फेमरल कैनाल टू फॉर्म द हर्नियल सैक। ओके, एब्डोमिनल पेराइटल जो है ना
पेरिटोनियम की प्रोट्रूजन जब होगी तो ये हमारे पास क्या बन गया, फेमोरल हर्निया बन गया। मोस्ट कॉमन होता है वोमेन देन इन मैन। क्यों कॉमन होता है, पीछे हमने पढ़ा है कि वाइडर पेल्विस और फेमोरल कैनाल की वजह से ये मोस्ट कॉमन होता है इन वोमेन। अब बात करते हैं नेक ऑफ द हर्निया सैक जो कि लाई करती है बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ओके, बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। फेमोरल हर्निया में जो नेक ऑफ द सैक है वो लाई कर रही होगी लेटरल एंड बिलो टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। उसके बाद नेक ऑफ द हर्निया सैक जो है लाई एट द फेमोरल रिंग एंड एट दैट पॉइंट इज रिलेटेड इंटीरियरली टू द इनगुइनल लिगामेंट। पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर जो है ना ये हमारे पास पेक्टिनियल लिगामेंट होता है और प्यूबिस होती है। लेटली अगर देखें तो फेमोरल वेन और मीडियली हमें जो है ना शार्प एजेस ऑफ द लेकुनार लिगामेंट ये हमें नजर आते हैं। ये हो गया हमारे पास फेमोरल हर्निया के वजह से। अब बात करते हैं एम्ब्लाइकल हर्निया के। एम्ब्लाइकल हर्निया कंजेनिटल एम्ब्लाइकल हर्निया और एग्जाम फेलस जो है ना इज कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ पार्ट ऑफ द मिड गट टू रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम ड्यूरिंग फेटल लाइफ। ओके, ये एक्चुअली एग्जाम फेलस जो है ना वो हमारे पास फेलियर होती है मिड गट की एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जब ये इसमें फेलियर होगी मिड गट की तो वो वापस अपनी जगह सही में नहीं आ जाएगी तो वो वहीं पे अबनॉर्मल अरेंजमेंट में रहेगी तो ये हर्निया काज करा देगी जिसे एम्ब्लाइकल हर्निया कंजेंटल का नाम दिया गया। ओके, अब दूसरी टाइप जो उसमें आती है एक्वायर्ड इन्फेंटाइल एम्ब्लाइकल हर्निया। एक्वायर्ड इन्फेंटाइल जो एम्ब्लाइकल हर्निया है एक्चुअली समाल हर्निया होता है जो कि अक्सर अक्कर होता है इन चिल्ड्रन एंड इज कॉज्ड बाय अ वीकनेस इन द स्केयर ऑफ द अम्बिलिकस इन द लीनिया एल्बा। ओके, ये हमारे पास कहां पे अक्कर होगा, वीकनेस ऑफ द स्केयर ऑफ द अम्बिलिकस। ओके, यहाँ पे अम्बिलिकस के जो निशान होता है वहां पे लीनिया एल्बा की वीकनेस की वजह से वहां से जो है ना ऑर्गन कोई प्रोट्रूड हो जाएगा तो इस वजह से ये हो गया हमारे पास एक्वायर्ड इन्फेंटाइल हर्निया। ओके, एक्वायर्ड इन्फेंटाइल हर्निया। नेक्स्ट जो है ना मोस्ट बिकम स्मॉलर एंड डिसअपीयर विदाउट ट्रीटमेंट एज अ एब्डोमिनल कैविटी एनलार्जेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्वायर्ड एम्ब्लाइकल हर्निया ऑफ एडल्ट। इसमें जो है ना एम्ब्लाइकल हर्निया मोर करेक्टली रेफर टू एज द पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया। ओके, ये हर्निया सैक जो है ना डज नॉट टूटेड थ्रू द एम्ब्लाइकल स्केयर बट थ्रू द लीनिया एल्बा इन द रीजन ऑफ द एम्ब्लाइकस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है ना पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया ग्रेजुअली इंक्रीज करता है साइज एंड हैंग डाउनवर्ड। द नेक ऑफ द सैक मे बी नैरो but the body of the sac often contain coils of small and large intestines and omentum। ye hamare paas kya ho gaya hernial sac ke jo contents hain usme dekhe to hame coils of small and large intestine and omentum jo mostly hame nazar aate hain। paraumbilical hernia jo hai na are more common in women than in men। okay, पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया आर मच मोर कॉमन इन वोमेन देन इन मैन। इसमें जो है ना हर्निया यूजुअली समाल और स्टार्ट होता है एज अ समाल प्रोट्रूजन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पैर बिटवीन द फाइबर ऑफ द लीनिया एल्बा। ओके, ये हमारे पास होगी एम्ब्लाइकल एक्वायर्ड हर्निया के वाले से इन एडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो है ना अक्कर होता है थ्रू द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द लीनिया एल्बा जो है ना एनीवेयर बिटवीन द ज़िफाइड प्रोसेस एंड एम्ब्लाइकस। एम्ब्लाइकस और ज़िफाइड प्रोसेस जो है ना उनके दरमियान किसी भी जगह पे अगर कोई लीनिया एल्बा में प्रोट्रूजन हो जाए तो वो हमारे पास होगी एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ओके, ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ और ईयर द फैट इज फोर्स्ड फर्दर थ्रू द लीनिया एल्बा एंड इवेंचुअली ड्रैग बिहाइंड इट्स स्मॉल पेरिटोनियल सैक। ओके, इसमें जो है ना फैट
कुछ महीनों या सालों बाद जो फैट है वो प्रोट्रूड हो जाती है पेरिटोनियल सैक के फॉर्म में, तो ये हमारे पास एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहलाता है। ओके, द बॉडी ऑफ द सैक इज ऑफन कंटेन स्मॉल पीस ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ओके, इसमें जो है ना स्मॉल पीस ऑफ द ग्रंटम ग्रेटर ओमेंटम जो है ना हमें नजर आते हैं। मोर कॉमन होता है मिडल एज मैनुअल वर्कर में, क्योंकि जब मिडल एज मैनुअल वर्कर को काम करेंगे ज्यादा अगर शक्ति वाला या हार्ड वर्क करेंगे तो उनके जो है ना एपिगैस्ट्रिक हर्निया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना सेपरेशन ऑफ द रेक्ट एब्डोमिनस, इसमें अगर रेक्ट एब्डोमिनस की सेपरेशन हो जाए तो वहां से भी आर्गन प्रोट्रूड हो सकते हैं। ओके, अकर इन द एल्डरली मल्टी पैरस वोमेन विद वीक अब्डोमिनल मसल। ओके, मल्टी पैरस वोमेन में याकर होगा क्योंकि अब्डोमिनल मसल की वीकनेस की वजह से और उनकी सेपरेशन मसल में मसल की लेयर जो होती है उनमें सेपरेशन आएगी तो ये जो है ना प्रोट्रूजन हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो इसमें है, इन दिस कंडीशन एपिनोरेसिस फॉर्मिंग द रेक्टस सीट बिकम एक्सेसिवली स्ट्रेच। ओके, जब रेक्टस शीट जो है ना वो एक्सेसिवली स्ट्रेच होगी तो ये जो है ना सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एज यू कैन सी व्हेन द पेशेंट कफ और स्ट्रेन, जब वो खांसता है या कोई अंगड़ाई वगैरह लेता है खिंचाव देता है अपने मसल में तो रेक्टाई जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं वाइडली और लार्ज हर्नियल सैक जो है ना कंटेनिंग एब्डोमिनल विस्रा बल्ज फॉरवर्ड बिटवीन द मीडियल मार्जिन ऑफ द रेक्टाई। रेक्टाई एब्डोमिनस के मीडियल मार्जिन में जो है ना एक सैक प्रोट्रूड हो जाती है जिसमें हमें एब्डोमिनल विस्रा लाइक इसमें जो है ना कोई लार्ज इंस्टेटाइन या स्मॉल इंस्टेटाइन को ओमेंटम वगैरह कोई आर्गन बड़ा आर्गन लाइक स्टमक तक भी जो है ना प्रोट्रूड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये वाइडली जो है ना सेपरेट होता है रेक्टाई एब्डोमिनस में। नेक्स्ट वन इसमें जो है ना दिस कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग अ सूटेबल एब्डोमिनल बेल्ट। ओके, जब एब्डोमिनल बेल्ट पहनेंगे तो वो ये उसके करेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं ज्यादा। इंसिजनल हर्निया की बात करें, इंसिजनल हर्निया जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव इंसिजनल हर्निया इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन पेशेंट इन होम इट वॉज नेसेसरी टू कट वन ऑफ द सेगमेंटल नर्व। जब कोई ऑपरेशन के दौरान सेगमेंटम नर्व का कोई पार्ट कट जाता है तो वहां के जो मसल है उनकी सप्लाई रुक जाती है तो वहां पे मसल की वीकनेस की वजह से वहां पे हर्निया काज हो सकता है। एब्डोमिनल मस्कुलेचर वीकनेस होगी तो ये जो है ना हमारे पास वहां से कोई प्रोट्रूजन हो जाएगी तो इसको ऐसे नाम देते हैं इंसिजनल हर्निया का। ओके, ये इसकी नेक की बात करें तो यूजुअली लार्ज होती है एंड एडिशन एंड स्ट्रांगुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स आर रेयर कॉम्प्लिकेशन, ये इसके कॉम्प्लिकेशन बता रहा है। इन वेरी ओबीज इंडिविजुअल द एक्सटेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल वीकनेस इज ऑफन डिफिकल्ट टू असेस। अगर वो जो है ना बंदा वाकई में ज्यादा कुछ ओबीज है तो वहां पे जो है ना उसके कंटेंट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सीजनल हर्निया में। ओके,